आजकल जब बाजार से हम लोग वेजिटेबल्स लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये डर जरूर होता है, कहीं ऐसा तो नहीं ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी संक्रमित हैं, किसी ऐसे व्यक्ति ने इसे छुआ है जिसे शायद कोरोना हो सकता है। तो हाउ डू वी टेक केयर ऑफ दिस? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो साबुन और पानी से धो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो क्या करना है? वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो स्किन होती है वो पोरस होती है, और अगर आप इसे साबुन के पानी से धोते हैं तो नेचुरली वो इसके अंदर तक जा सकती है। तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये समझ लीजिए, केवल गुनगुने पानी से धोने से आप 90 से 95, यानी कि फ्रॉम 90 to 95% ऑफ व्हाटएवर रेजिड्यूज देयर आर ऑन दीज फ्रूट्स, जो भी इसके ऊपर है, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, कोई बैक्टीरिया हो, आप उसे वॉश ऑफ कर सकते हैं। और टू बी डबली श्योर, एक बहुत छोटी सी टिप आप फॉलो कीजिए। मेरे पास है यहाँ पर बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है। एक बोल में पानी भरिए और ये मीठा सोडा 1 टीस्पून मैं इस बोल में मिला दे रही हूं। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब इस पानी में आप अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सोक कर दीजिए। बस 10 मिनट के लिए आप इसे सोक करके रख दीजिए, फिर से एक बार क्लीन वाटर से वॉश कर लीजिए। जितने भी रेजिड्यूज इसके ऊपर लगे हुए होंगे वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, वॉश ऑफ हो जाएंगे, आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे एंड दे आर एब्सोल्युटली सेफ टू कंज्यूम नाउ। तो धारा कितना आसान सा टिप, अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट के ऊपर से इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और वायरस को भी हटाने का।